हेलो, मैं कोरिया हरि प्रसाद आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक्सपर्ट एजुकेशन CND कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बी लुकअप फार्मूला के बारे में। जैसे तो आप लोग बी लुकअप फार्मूला आपको आता होगा, लेकिन हम इसमें बी लुकअप फार्मूला का हम तीन तरीके से यूज़ करने वाले हैं। पहला तरीका ये होगा कि हम एक ही सीट से हम बी लुकअप को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरे तरीके में हम लोग बात करेंगे कि हम एक सीट से दूसरे सीट से डेटा कैसे बी लुकअप के थ्रू लेके आए। और सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हम एक्सेल की एक फाइल से दूसरी फाइल से हम डेटा किस तरीके से लेके आए। तो इस तरीके का हम यूज़ करने वाले। तो चलिए सबसे पहला हम तरीका वी लुकअप का यूज़ कर लेते हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर बिल फॉर्मेट बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने डेटा सीट रखी है। डेटा सीट आपको यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ रखी है। तो चलिए मैं पहला एक सिंपल सा आपको यहाँ पे वी लुकअप फार्मूला का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सिंपली। तो सबसे पहले मैंने लिखना है इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप जैसे आप लिखोगे तो सबसे पहले वो बोलता है वी लुकअप वैल्यू। वी लुकअप वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे ली है LED। तो LED कहाँ से आ रही है, हमारे यहाँ से प्रोडक्ट से लिस्ट जो हमने बनाई वहाँ से प्रेजेंट हो रही है। फिर उसके बाद हम सिंगल कॉमा लिखेंगे। तो सिंगल कॉमा लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या मिला है, टेबल अरे। टेबल अरे में आपको क्या करना होगा, इस पूरी टेबल को आपको सेलेक्ट करना होता है। तो ये मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद सिंगल कॉमा मैंने अगेन प्रोवाइड किया। देन वहाँ पे पूछ रहा है कॉलम नंबर ऑफ द इंडेक्स। कॉलम नंबर ऑफ इंडेक्स का मतलब ये कि हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट में HSN कोड चाहिए। तो हमने टेबल के अंदर HSN कोड दिया हुआ है, बट कितने नंबर कॉलम में होगा। तो हमने सिलेक्शन किया हुआ है कहाँ से, हमने सिलेक्शन किया है T16 से और एंड किया है 19 तक। तो हमारी जो गिनती होगी तो यहीं से होगी, यानी कि हमारे लिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यानी कि हमारे लिए तीसरे नंबर कॉलम में हमारा डेटा HSN कोड दिया गया है। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, सिंगल कॉमा फिर से देंगे एंड वो पूछता है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हम उसके लिए उसको 0 प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद इसे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे ना, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें HSN कोड प्रोवाइड हो रहा है। अब बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम वापस CPU लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर HSN कोड चेंज हो रहा है। तो ये था पहला तरीका कि आप बिल्कुल का एक ही सीट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका ये देखेंगे कि हम एक दूसरी सीट से बिल्कुल के थ्रू हम डेटा इसमें कैसे लेके आएंगे। तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर भी डेटा बनाया हुआ, जस्ट उसके बाजू में एक और सीट यूज़ की हुई है जिसमें मैंने डेटा लोड किया हुआ है और हम उसका यूज़ करने वाले हैं। तो हम सपोज़ यहाँ पर डेटा को लोड कराने वाले हैं दूसरी सीट से। तो हम चलिए इसको रेस कर लेते हैं फॉर्मूला को, और अब हम यूज़ करेंगे दूसरी सीट से। तो सेम ट्रिक ही यूज़ होनी है वी लुकअप। जैसे ही आप लगाओगे फिर से वही आपका पूछेगा वैल्यू हमने दे दी है उसको, सिंगल कॉमा टेबल अरे मीन्स टेबल कहाँ पर अवेलेबल है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर सीट 2 पे जाएंगे और इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेम फिर वही हम सिंगल कॉमा प्रोवाइड करेंगे और सेम हमसे ये वापस पूछेगा कि हमारा कॉलम नंबर क्या है। तो कॉलम नंबर हमारे लिए भी यहाँ पर 3 है, तो हम 3 प्रोवाइड करेंगे और सिंगल कॉमा 0 डिफॉल्ट वैल्यू देकर हम इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा हमने यहाँ पे गलती ये कर दी, मुझे रेट चाहिए था तो हमने रेट की जगह पे हमने HSN कोड ले लिया। तो हमारा कॉलम नंबर 4 है, तो हम यहाँ पर कॉलम नंबर चेंज कर लेते हैं 4। ये देखिए हमारा रेट आ चुका है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ आपको तकलीफ ये होगी कि अगर हम यहाँ पर इस डेटा को डिलीट मार देते तो यहाँ पर आपको एरर जनरेट होती है हैच की। तो एरर को सॉल्व करने के लिए आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हम बी लुकअप से पहले यहाँ पर इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ऑन हो गया है, और लास्ट में हम सिंगल कॉमा करके डबल कॉमा करके उसको ब्रैकेट बंद करेंगे तो वो एरर आपकी सॉल्व हो जाएगी। सेम हम इसमें भी इसी तरीके से इसका यूज़ करने वाले हैं, इफ़ एरर और लास्ट में सिंगल कॉमा करके डबल कॉमा देके इसे ब्रैकेट।
कर देंगे तो हमारी एरर हल हो चुकी है। ये हुए हमारे दो तरीके। अब हम बात करते हैं हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा तरीका, जिसमें हम जानने वाले थे कि एक्सेल की दो फाइल में से डेटा को कैसे वीलुकअप के थ्रू हमें उसका यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे दो सीट तैयार की हुई। एक सीट में हमने डेटा ही डाला हुआ है, देखिए यहाँ पर हमने डेटा डाला है, और दूसरी में हमारा उसका फॉर्मेट बना हुआ है। तो अब हम इस फाइल को कैसे इसमें लोड कराने वाले हैं, तो अब आप उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम कैसे करने वाले हैं, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, आपको दो बार इसका मैं यूज़ करके बताऊँगा। तो सबसे पहला काम करना क्या है कि आपको व्यू में जाना है और आपको उसे साइड बाय साइड दोनों सीट को अरेंज कर लेना, अरेंज करवा लीजिए। और मैं इसको ड्रॉप करके बड़ा कर लेता हूँ। तो ये डेटा सीट हमें यहाँ मिल रही है और ये हमारा बिल फॉर्मेट यहाँ पर मिल रहा है। तो अब बिल को फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है सेम वही बिल का इक्वल वी लुकअप फॉर्मूला, और फिर उसके बाद आपको क्या सेलेक्ट करना है, वैल्यू। तो वैल्यू हमने सेलेक्ट कर ली एंड सिंगल कॉमा लगाने के बाद अब हमसे क्या बोल रहे हैं, टेबल लगे। तो हमने क्या बोला आपको कि हम दूसरे फाइल के डेटा को यहाँ पर लेके आने, तो हम डायरेक्टली हमने दोनों फाइल ऑलरेडी आजू बाजू ओपन करके रखी है साइड बाय साइड। तो हम यहाँ पर दूसरी सीट पे जंप करेंगे और यहाँ पर उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे नाम चेंज हो चुका है, आपको दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट डाटा डॉट एक्सएमएल मतलब डॉट एक्सेल की फाइल और उसके अंदर सीट वन का जो पेज है, सीट है वो, और उसके अंदर का टेबल का रेंज। आई होप यू आपको दिख रहा होगा कि इसमें किस तरीके से हमने दो फाइल के बीच में वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद सिंगल कॉमा आपको प्रोवाइड कराना है, और सेम वही ट्रिक आपको यूज़ करनी है कि कितने नंबर कॉलम पे एचएसएल कोड है। तो हमारा 3 नंबर एंड सिंगल कॉमा 0 और ब्रैकेट क्लोज करते ही इंटर करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू यहाँ पर मिल रही है। और सेम अगर हमें रेट भी लेना है तो हम इक्वल वी लुकअप फार्मूला यूज़ करेंगे, वापस उसको वैल्यू रेट खिलाएंगे और टेबल फिर से हम सीट टू से सिलेक्शन करेंगे और सिंगल कॉमा, और रेट हमारा फ़ोन नंबर कॉलम में है तो 4 नंबर सिंगल कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमें रेट भी प्रोवाइड हो रहा है। आई होप यू आप लोगों ने समझ में आया होगा कि हम किसी दो फाइल को में से वी लुकअप का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्मूले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब